आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात करीब 1 बजे पाइप से नदी हिलती से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से पीछे से आ रही वॉल्वो बस भी अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे में मौके पर ही बस सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। यह हादसा और आज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर अजीगवा गांव के पास हुआ है। 1:21 की रात में एक टूरिस्ट बस थी जो दिल्ली से मुजफ्फरनगर बिहार जा रही थी। थाना और रात में लगभग 12:30 बजे के समय डिसबैलेंस होकर पलट गई थी, जिसमें 6 लोग जो है मृत हो गई और 12 इंजर्ड हो गए। मृतकों और इंजर्ड को ट्रामा सेंटर लखनऊ भिजवा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।